रहा हूं इस एड को, ठीक है, ई टू ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने एड को कॉल किया और इसमें पास कराया ई वन। तो ई वन के पास क्या है, 50 है, 50 कहाँ आएगा मेरा, यहाँ आएगा, तो ये 50 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। नाउ लेट अस सी, जब हम रन करते हैं तो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट वी विल सी द रिजल्ट, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। एग्जाम्पल कि इनिशियली वैल्यू 50 एंड 100, E1 की 50 है, E2 की 100 है, द नाउ न्यू वैल्यू, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट E1 इज द रिमेन सेम 50, बट द ऑब्जेक्ट ऑफ 2 इज द 150। तो लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग, कि जैसे ही आपने दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू इस एड फंक्शन को कॉल किया, तो इसमें क्या हुआ, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जो E2 था उसके पास वैल्यू 100 थी, लेकिन इस A के पास 100 इस E के कारण कितनी आई, 50। क्यों, क्योंकि यहाँ E1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। लुक एट दिस, कि जो E था वो E1 से रिप्रेजेंट हुआ, तो द न्यू वैल्यूज क्या हुई, कि आपकी E2 की चेंज हो गई और E1 की सेम रही। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट पासिंग इन ए फंक्शन, हाउ वी कैन पास ऑब्जेक्ट इन ए फंक्शन। नाउ look at this, this is the another program। अब आप देखिएगा, ये थोड़ा सा C का प्रोग्राम है। C का प्रोग्राम है मतलब it is a procedure oriented, it is what, it is a procedure oriented, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया है कि इसमें एक क्लास मैंने क्रिएट करी है, क्लास क्रिएट करी टेस्ट, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल मैंने लिखा है एक्स, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, सिंपल सा मैंने यहाँ पर टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया t1.x=20, ठीक है, और एक ये फंक्शन होता है गेट कैरेक्टर जस्ट, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए, तो वो मैंने लगाया। नाउ लुक एट दिस, दिस इज व्हाट, कि एक्स कंपाइलर एरर बिकॉज एक्स इज अ प्राइवेट, एक्स क्या है, प्राइवेट है, वी कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट, ठीक है। नाउ कम टू द अनदर प्रोग्राम, कम टू द अनदर प्रोग्राम, के ये आपने देख लिया प्राइवेट मेंबर को वी कैन नॉट एक्सेस। नाउ लुक एट दिस, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्ट। वहां क्या बनाई थी मैंने, क्लास, एक्चुअली वो पूरा पीछे वाला प्रोग्राम C++ का था। In that program, we are creating the class. Now, in this program, we are creating the structure. That is the structure, how we can create a structure. So, from both program, we are seeing the difference between the structure and the class. How structure work? Look at this structure. मैंने create किया test नाम का integer x, and मैंने print किया. So now look at this. ये देखिए. मेरा रन हुआ प्रोग्राम, ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये प्रोग्राम पूरा मेरा वो हो गया, मतलब दिस इज द स्ट्रक्चर। व्हेन वी यूज द स्ट्रक्चर द डेटा इज बाय डिफॉल्ट डिफाइंड पब्लिकली, बट इन केस ऑफ द क्लास लुक एट दिस ओनली द डिफरेंस, वी आर क्रिएटिंग दिस एक्स एंड रन, लुक एट दिस व्हाट हैपन एरर, कि क्लास डज नॉट नेम अ टाइप, कि मतलब आपका प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस, क्लाइंट, ये है हमारा एरर। यहाँ स्ट्रक्चर लिखा, प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन जैसे ही क्लास लिखा प्रोग्राम नहीं हुआ, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड क्लास। स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट डेटा इज पब्लिकली डिफाइंड, बट इन द केस ऑफ द क्लास द डिफॉल्ट डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल इज बिकम अ प्राइवेट, सो we cannot access the private. In case of the we want to access the default variables or functions outside of the class, we should define as a structure. So this is the difference between the structure and the class. Now look at this another program with static member. This is look at this. This is the static member.